हेलो बच्चा बाटी, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 35 जेई पी वाई क्यू का। ये 2020 का क्वेश्चन है, शिफ्ट टू में आया हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज इतना। ठीक है भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। दूसरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अपने मर्जी से यहाँ आई नहीं लेंगे। ठीक है, तो पाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.1। अच्छी बात, 0.1 इज इक्वल टू C1RT। सिमिलरली ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, उसका पाई दिया हुआ है 0.2। ठीक है, बोलता है कि 1 लीटर, हम लोग को पता है ये मिक्सिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ आ गया कैसे? याद है मोलैरिटी पता होता था, है ना? फिर इसका कुछ ले लेते थे, फिर एक और सॉल्यूशन लेते थे, उसका भी मोलैरिटी पता होता था, उसका वॉल्यूम कुछ ले लेते थे, तो फिर नया सॉल्यूशन बनाते थे। तो नया सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी आता था वो ऐसा आता था, याद आया? तो इसमें बोला है कि 1 लीटर लेंगे तो C1 चेंज हो जाएगा, C1 मोलैरिटी है यहाँ, C2 मोलैरिटी है, नया सॉल्यूशन का क्या होगा वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे V1 कितना लिया है, 1 लीटर, C1 कितना है, 0.1 बाई RT, लिखना है तो लिख सकते हैं। M2 कितना है यहाँ पे, 0.2 बाई RT, है ना? थोड़ा मैनिपुलेट तो करना आना चाहिए इक्वेशन को। R और T का वैल्यू नहीं बैठाते हैं अभी, क्योंकि टाइम पास हो जाएगा और बहुत मुश्किल होता है R का वैल्यू, सबको पता, और R दिया हुआ नहीं है मतलब यूज नहीं हो रहा होगा पक्का। सेकेंड वाले का कितना आया, 2 लीटर। अच्छा लगा, है ना? ऑस्मोटिक प्रेशर और फाइनल सॉल्यूशन बताना है, फाइनल का पाई, तो फाइनल का पाई होगा नया कंसंट्रेशन इंटू RT। अब नया कंसंट्रेशन ये होता है, ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं अपन, मोलैरिटी न्यू वाला। ठीक है, M1V1 तो 0.1 RT × 1 + M2V2 0.2 बाई RT × 2 / V1 + V2। इसका मतलब यही होता है, M1 × वॉल्यूम क्या होता है, मोल्स। तो टोटल मोल्स कर लीजिए और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। टोटल वॉल्यूम, दो लोगों को V1 और V2 मिक्स किए तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा, V1 + V2। तो मोल्स बाय वॉल्यूम ही तो होता है मोलैरिटी। तो ये फॉर्मूला वही से आता है, फॉर्मूला ऑफ मिक्सिंग बोलते हैं इसको। 1 लीटर + 2 लीटर = 3 लीटर कितना आ रहा है, RT को LCM दोनों में है, 0.1 × 1 + 2 × 0.2 0.4 / RT, और यहाँ पे 3, 0.4 + 0.1 0.5 / RT × 3। ठीक है, तो पाई कितना आएगा, नया पाई RT से मल्टीप्लाई होके, तो देखिए RT कट जाएगा। सो न्यू पाई इक्वल टू CRT एंड C इज इक्वल टू 0.5 / 3 × RT, है ना? और RT से मल्टीप्लाई, पाई इक्वल टू CRT, ये RT गया, है ना, 5/30 आ रहा है। और हम लोग को किस में रिप्रेजेंट करना है आंसर, आंसर वाला बोला हुआ है 10^-3 में करना है। तो 10^-3 के लिए 10^3 × करते हैं, 10^3 डिवाइड कर देते हैं, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये -3 चल जाएगा और ये अपना एडजस्ट कर देते हैं, है ना? 1 0 गया तो 500 बचा, पाई 3 × 10^-3, 3 1 = 3 20, 3 6 = 18, 20 3 6 = 18, तो ये जाते जाएगा। नियरेस्ट इंटीजर क्या बोलना पड़ेगा फिर, 166.6 का 167। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, होपफुली समझ आया होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। ये थोड़ा सा नया है पुराने वाले से देखा जाए तो, बट वही है, कंसंट्रेशन के साथ खेलना है। दो लोगों को मिक्स किए तो नया कंसंट्रेशन कितना, उस हिसाब से ही RT से मल्टीप्लाई करके पाई निकल जाएगा। ठीक है, ओके, बाय एवरीबडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।